सीतापुर, हरदोई चाहे रोडवेज हो और चाहे फिर हो ट्रांसपोर्ट कंपनी या हो अन्य कोई ड्राइवर, हर जगह पर ड्राइवरों ने नए कानून का विरोध करते हुए अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर गाड़ी की चाबी मोटर मालिक को सौंपते हुए हड़ताल जारी कर दी है। ट्रांसपोर्ट संचालक योगेश सिंह जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि एक आम नागरिक होता है, ट्रक ड्राइवर और घर से कई कई दिन दूर रहकर लोगों की सेवा करता है, ऊपर से सड़क पर चलते समय कहीं भी कभी भी उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, वह हर तरीके से जलील किया जाता है, इसके बावजूद भी अपनी सेवाएं बंद नहीं करता, इसलिए कानून और कानून के रखवाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे प्रताड़ित करने का भी काम करते हैं। भारत सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून जो कि ड्राइवरों के हित में बिल्कुल नहीं है और ड्राइवरों को इस कानून के तहत प्रताड़ित होना पड़ेगा। कानून कहता है यदि कोई ड्राइवर से किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना होती है तो वह अपनी मोटर पर वहीं पर रोककर घायल अवस्था में व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए तो उसे सजा कम होगी। प्रश्न यह उठता है जब किसी ड्राइवर से कोई घटना होती है तो भीड़ उसके लिए कितना उग्र हो जाती है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। किस स्तर से रहेगा और क्या उसका उद्देश्य रहेगा? आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत आपका है। जैसे ट्रक स्ट्राइक ये हुआ, इसका क्या उद्देश्य है और आप लोगों ने सब अपने ट्रकें क्यों रोक रखी हैं? मैं मीडिया के मार्फत से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपना जो परिवार है ट्रांसपोर्ट का उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ है और हमारी आवाज़ को आगे तक जाए, इसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और जो हमारे उस दर्द का बयान आपके सामने है कि मोटर वाले के साथ एक ये परिवार है, ये मिस्त्री हो गया, ड्राइवर हो गया, मोटर मालिक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इसको इतना दर्द है कि इस दर्द का बयान किस तरीके से करें। हम लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की हैं और जिसके उसमें माननीय मोदी जी, माननीय हमारे अमित शाह जी ने जो कानून लागू किया है उसका हम विरोध करते हैं और जितना हमारा ट्रांसपोर्ट एक्ट सीतापुर है वो सारा विरोध करता है और इस विरोध में हम काले कानून को वापस लेने की मांग करते हैं और हम इस पे विचार ये करते हैं कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम स्ट्राइक पे लगे रहेंगे और हमारी ये स्ट्राइक जारी रहेगी हर जगह। सिंह साहब, इस कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप लोग इतना क्रोधित, इतना नाराज है और ट्रक स्ट्राइक तक कर रखी है आपने, क्या ऐसा है? हमारी रोजी रोटी एक ड्राइवर से चलती है क्योंकि हम जो है वो ट्रांसपोर्टर है, मोटर मालिक है, अगर वो अपना बलिदान नहीं देगा तो हम लोगों को कहाँ से रोटियां चलेंगी? हमारी कोई खेती तो नहीं है, हमारी अगर खेती है तो हमारा केवल मोटर है और हम ड्राइवर को अगर बीच सड़क पर मरवा देंगे तो कितने ड्राइवर मरवाएंगे, कब तक मरवाएंगे? अगर 10 साल का कानून ड्राइवर के लिए लागू किया गया है तो आप ये बताइए, अमित शाह जी के साथ भी तो ड्राइवर ही चलता है, मोदी जी के साथ भी ड्राइवर चलता है, क्या उनको नहीं मालूम है कि इस कानून की क्या महत्वता है? क्या 10 साल क्या प्रावधान है इस कानून का? इस कानून में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर उसको हॉस्पिटल लेके जाए और 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए। क्या ड्राइवर 1-7 लाख रुपए होते तो वो अपनी मोटर बना के चलाता? अगर उस पर 7 लाख रुपए होते तो वो अपने घर बैठे रोटी खाता, हमारी रोड पे धक्के खाने नहीं आता, ऐसी ठंड में वो जगह जगह माल वितरण कर रहा है, ये नहीं करता। एक अर्थव्यवस्था जो ट्रांसपोर्ट की है उसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग है और जिस सहयोग में आप देख रहे हैं रोड के हालात को कि चक्के जाम का नज़र आपको आ रहा है, जो 4 दिन के अंदर भुखमरी की कागार पे, महंगाई की कागार पे ये दिखाई देगा ट्रांसपोर्ट का, वो इससे मीडिया से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और निवेदन है कि सरकार तक पहुंचाया जाए। अच्छा, जो आज आप लोगों ने स्ट्राइक कर रखी है तो अनुमान अगर लगाया जाए तो आज कितना नुकसान हुआ होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश का नुकसान एक गाड़ी जो हमारे लोगों की है, एक गाड़ी की कीमत हम लोगों की 40-42 लाख रुपए है और एक ड्राइवर की तनख्वाह से लेके अगर देखा जाए तो राजस्व विभाग का अरबों खरबों में नुकसान में एक दिन का है, जिसकी आपको आप रोड को दिखा दीजिए, आप रोड दिखाइए कि स्ट्राइक का असर अभी से दिख रहा है, पहला दिन है और इस दिन में हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लंबे समय तक हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे।
अच्छा भाई, जब बोला करते हैं तो चैनल के माध्यम से अपने साथियों को, अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को, अपने ड्राइवरों को और अपने जो मोटर मालिक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश है कि जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो, सभी निवेदन है ड्राइवर भाई, ट्रांसपोर्ट भाई, मिस्त्री लोग, ये परिवार है, इस परिवार को हड़ताल पर रहना चाहिए और सभी ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर भाइयों का समर्थन करना चाहिए। हमें दर्शक आपका परिचय जाना चाहते हैं। मैं यूपी उत्तराखंड रोड लाइन सीतापुर नेशनल हाईवे। तो देखा इस बीच में हमारे थे जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो ड्राइवर होते हैं, जो मोटर मालिक होते हैं, एक परिवार होता है और हमारे परिवार पर अगर कोई आँच आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसका खुलकर मुकाबला करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और उसको न्याय दिलाने का कार्य करें, उसको कायदे से जो हक है वो मिलना चाहिए। हालांकि भी सरकार और ट्रांसपोर्ट बीच में जो जंग छिड़ी है ये कब शांत होगी ये देखने वाला वक्त बताएगा। इसमें सीधा कहा जा सकता है क्या होगी, इसको समाधान की तैयारी या और भड़केगी चिंगारी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के बने आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।